हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी दोस्तों। मैं स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। मेरा नाम है अवधेश कुमार और आज मैं आपके सामने एक और वीडियो लेकर के आया हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है एक टॉपिक के ऊपर है और आज का जो हमारा टॉपिक है कि ट्रेन के अंदर ट्रेन सुपरवाइजर का क्या काम होता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं प्रॉपर चीजें आपको बताऊंगा कि स्टार्टिंग से क्या ट्रेन सुपरवाइजर क्या क्या काम करता है और स्टार्टिंग से वो क्या क्या चीजें लोगों को बताता है और स्टार्टिंग से क्या क्या चीजें वो रखता है। तो प्रॉपर चीज आज आपको इसमें पता चलेगी। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे इस वीडियो के अंदर। ये सारी चीजें मैं आपको आज बताऊंगा। कुछ पेपर वर्क भी होता है सुपरवाइजर का, तो ये सारी चीजें सुपरवाइजर को मेंटेन रखना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो दोस्तों, आज की जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेन के अंदर ट्रेन सुपरवाइजर का क्या काम होता है। तो दोस्तों, पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मैं आपसे कि यदि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल का बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप लोग जो हमारी वीडियो को लाइक करते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो हम जैसे जो नए क्रिएटर हैं इसका बहुत ज्यादा मोटिवेशन बनता है। और कहीं ना कहीं ये वीडियोज मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों तक मैं कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकूं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है कि ट्रेन के अंदर ट्रेन सुपरवाइजर का क्या काम होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी ट्रेन सुपरवाइजर को ये पता चलता है कि आज उनको इस ट्रेन के में मतलब इस ट्रेन के ऊपर आपको ड्यूटी जाना है, इस ट्रेन में आपकी ड्यूटी लगी है, तो उनको कुछ पेपर वर्क दिया जाता है। तो उनको तीन चार तरीके का पेपर होता है। एक मतलब आपको समझा नहीं पाऊंगा पेपर कैसा होता है। अलग अलग कंपनी का अलग अलग पेपर होता है। तो हमारी जो कंपनी है हमें तीन चार तरीके का पेपर प्रोवाइड करती है, और जो भी सुपरवाइजर ऑन ड्यूटी जाते हैं सबको वो पेपर दिया जाता है। उस पेपर के अंदर एक कैश डिक्लेरेशन भी होता है कि कौन से स्टाफ के पास कितने कैश है, और उन लोगों से साइन करवाना पड़ता है। तो ये सारी चीजें सुपरवाइजर अपने स्टाफ लोगों से पूछ करके उस फॉर्म के ऊपर मेंशन करते हैं कि हाँ, इस स्टाफ के पास इतने कैश है, इसके पास इतना कैश है, क्योंकि कैश मेंशन करना बहुत जरूरी है। उसके बाद दोस्तों, जब भी ये पेपर वर्क हम करने के बाद हम लोग SSC ऑफिस जाते हैं। हमारी जो ट्रेन ड्यूटी होता है उसके SSC सीनियर सेक्शन इंजीनियर वहीं पे वो बैठे रहते हैं, तो वही हम लोग को अप्रूव करते हैं। हमारा सारा जो पेपर हम लोग लिए रहते हैं वो पेपर को प्रॉपर तरीके से चेक करते हैं, और हम लोग के साथ जितने भी स्टाफ लोग जाते हैं तो वो अपने साथ साथ क्लीनिंग का भी, जैसे हमारे साथ साफ सफाई वाले स्टाफ जा रहे हैं तो अपने साथ साथ वो क्लीनिंग का इक्वायरमेंट लेकर के चलते हैं, सामान लेकर के चलते हैं, सारी चीजें, केमिकल, टूल किट, मतलब जितने भी क्लीनिंग से संबंधित सामान है सब कुछ वो लेकर के चलते हैं अपने साथ साथ। तो ये सारी चीजें जो हमारे SSC सर होते हैं वो चेक करते हैं कि जो भी हम लोग को केमिकल दिया गया, प्रॉपर सामान दिया गया, तो प्रॉपर चीजें है कि नहीं, प्रॉपर चीजें क्वांटिटी में है कि नहीं, जितना वो पेपर पे मेंशन किया गया है कि इस ट्रेन में इतनी केमिकल जाएगी, इतना ये जाएगा, इतना हैंड वॉश जाएगा, इतना R1 जाएगा, इतना R2 जाएगा, इतनी PVC फ्लोर क्लीनिंग जाएगी, इतनी R3 जाएगी, मतलब केमिकल बहुत सारे हैं। तो ये सारी चीजें हमारे जो SSC सर है वो प्रॉपर तरीके से चेक करते हैं। उसके बाद हम लोग को वहाँ पे फोटो सेशन भी होता है, तो फोटो सेशन किया जाता है और हमारे जो SSC सर है वो सभी स्टाफ लोग का फोटो लेते हैं। वहां से खत्म करने के बाद जितने भी स्टाफ लोग हैं सब लोग अपने ट्रेन पे जाते हैं, जिस ट्रेन में भी उनकी ड्यूटी लगी है वहां पे पहुंचते हैं। उसके बाद जो अब अपने जो सुपरवाइजर है उसने अपने जो भी स्टाफ लोग को जो जो कोच डिवाइड किया गया है वो सारे स्टाफ अपने अपने कोच में जाते हैं। साफ सफाई वाले जो स्टाफ लोग होते हैं उनको 3 से 4 कोच दिया जाता है उनके अंडर में, तो वो अपने कोचों को भी चेक करते हैं प्रॉपर तरीके से। स्टाफ लोग को अपना काम पता रहता है कि उनको क्या करना है। सुपरवाइजर का काम है कि उनके काम को चेक करना। गाड़ी चेक कर लो, आप देख सकते हैं हमारी जो अटेंडेंट है उन्होंने प्रॉपर वेडिंग अपनी अपनी सीटों पे रख दी है। आप देख सकते हैं कोच के अंदर अपनी अपनी सीटों पे प्रॉपर वेडिंग रखी हुई है। और यदि कोई नया स्टाफ है उसको काम नहीं पता तो उसके काम को बताना भी है उसको काम प्रॉपर तरीके से। ट्रेन के अंदर डस्टबिन लगे होते हैं, टॉयलेट के अंदर हैंडवॉश डला है कि नहीं, ऑर्डर नील डला है कि नहीं, ये सारी चीजें सुपरवाइजर चेक करता है। प्रॉपर कोचों में पानी आ रहा है कि नहीं, जितने भी डस्टबिन है उस पर हमारे जो स्टाफ है क्लीनिंग वाले उन्होंने प्रॉपर तरीके से पिन्नी लगाई है कि नहीं, ताकि जब पैसेंजर लोग उसको यूज करें तो उनको किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत ना हो। ताकि जब देखो जब हम डस्टबिन के अंदर पिन्नी लगाते हैं ना तो सारी चीजें अंदर नहीं जाता, पिन्नी के अंदर रहता है, तो कहीं ना कहीं उसको जब हटाते हैं तो ज्यादा परेशानी नहीं होती। तो ये सारी चीजें सुपरवाइजर की जिम्मेदारी है कि ये सारी चीजें वो प्रॉपर तरीके से चेक करे। और जितने भी हमारे अटेंडेंट है उनको उन्होंने जितने भी कोच डिवाइड किए गए उन प्रॉपर कोचों में जो हमारे अटेंडेंट है उन्होंने प्रॉपर बेडिंग वेडिंग रखी है कि नहीं,
ये सारी चीजें सुपरवाइजर चेक करता है ताकि जब पैसेंजर लोग आए तो पैसेंजर को किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत प्रॉब्लम ना हो, उनको अपनी अपनी वेडिंग अपने अपने सीट पे मिले। उसके बाद दोस्तों आपके जो स्टाफ लोग हैं यानी कि सुपरवाइजर का ये बहुत ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि उनके जो अंडर में स्टाफ लोग हैं वो लोग एक्टिव रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपके स्टाफ लोग एक्टिव रहेंगे तो ट्रेन के अंदर कंप्लेन नहीं होगी, आपको ज्यादा भागदौड़ नहीं करना पड़ेगा जो सुपरवाइजर है उसको। तो स्टाफ लोग को एक्टिव रखना बहुत ही जरूरी है। जितने भी कोच उनको दिए गए, आप सुपरवाइजर हो तो आप उनको बताओ कि आपको जो जो कोच दिया गया आप प्रॉपर तरीके से कोच में राउंड करो, और जो भी पैसेंजर है उनको भी बताओ कि कोच के अंदर साफ सफाई बनाए रखें। बेडिंग से भी रिलेटेड उनको जानकारियां दो कि सर कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम हो तो मैं अटेंडेंट हूँ, मैं बाहर बैठा हूँ। तो ये सारी चीजें आप कोच के अंदर ये सारी एक्टिविटीज आपको करते रहना है साथ साथ। उसके बाद दोस्तों जब भी मॉर्निंग होती है तो सुपरवाइजर को पूरी ट्रेन में क्लीनिंग करवानी होती है। तो धीरे धीरे जैसे एक स्टाफ है उसको तीन कोच डिवाइड किया गया, तो एक तरीके से वो स्टार्ट करता है क्लीनिंग करवाना। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात, जो सुपरवाइजर है उसके साथ जो भी टूल किट जा रहा है यानी कि जो भी उसके साथ सामान जा रहा है उस सामान की प्रॉपर नॉलेज उसको होनी चाहिए। उसके साथ कौन कौन सी केमिकल जा रही है और कौन सा केमिकल किस काम में यूज होता है, सीसों की सफाई के लिए कौन सी केमिकल यूज की जाती है, टॉयलेट के कमोड के लिए कौन से केमिकल यूज किया जाता है, फ्लोर क्लीनिंग के लिए कौन सा केमिकल यूज किया जाता है, तो ये सारी चीजें उनको नॉलेज होनी चाहिए। कौन सा केमिकल एयर फ्रेशनर के लिए यूज किया जाता है, तो ये सारी चीजें उनको पता होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों जब भी मॉर्निंग होती है तो सुपरवाइजर वो क्लीनिंग करवाता है, तो एक साइड से वो क्लीनिंग करवाते जाता है और पीछे से वो फोटो लेते जाता है। तो धीरे 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 एक एक कोच क्लीनिंग करवाया, फिर अगले कोच, ऐसा करते करते वो पूरी ट्रेन में उनको क्लीनिंग करवाना होता है। और साथ ही साथ उनके पास एक फीडबैक बुक दिया जाता है, उस फीडबैक बुक को भी उनको साथ ही साथ भरवाना होता है। एक कोच से दो फीडबैक लेना होता है। तो वो जो फीडबैक बुक होता है आपको कुछ नहीं करना, आपको जब आप क्लीनिंग करवा लेते हो तो उस फीडबैक बुक को आपको पैसेंजर को देना होता है और पैसेंजर से फीडबैक लेना होता है। उसके अंदर डेट, नाम, पैसेंजर का नाम, उनका पीएनआर नंबर, उनका मोबाइल नंबर, उनका साइन, और उनको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी, टॉयलेट क्लीन था कि नहीं, ये आसपास का जो एरिया है उनके कैबिन का वो सब कुछ साफ था कि नहीं, ये सारी चीज़ें मेंशन की होती है। तो ये सारा फीडबैक उनको पैसेंजर से लेना होता है। और ट्रेन के अंदर कोई भी ऑनलाइन कंप्लेन होती है तो सुपरवाइजर को ही विजिट करना होता है। जब भी आप दोस्तों जानते आप लोगों ने भी कई बार इंडियन रेलवे में ट्रैवल किया होगा तो आपने देखा होगा कि इंडियन रेलवे ने 139 का नंबर जारी किया है। उसमें कोई भी पैसेंजर बैठे बैठे किसी भी तरीके का कोई भी उनको प्रॉब्लम होगी तो उसको वो कंप्लेन कर सकते हैं 139 पे। उसके बाद दोस्तों जब भी ये 139 पे कंप्लेन होती है तो जो सुपरवाइजर उस ट्रेन में ऑन ड्यूटी रहते हैं उनके पास इन्फॉर्मेशन आती है कि आपकी ट्रेन में इस कोच से ये इस पैसेंजर को ये दिक्कत है। उसके बाद जब भी आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आती है तो उसके बाद सुपरवाइजर का काम है कि उन पैसेंजर से जाके मिलना और उनकी जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो साफ सफाई से रिलेटेड हो, चाहे वो एसी से रिलेटेड हो, चाहे वो बेडिंग से रिलेटेड हो, तो उनको जाकर के मिलना होता है और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। सुपरवाइजर का अब ये नहीं कि पैसेंजर, कई बार बहुत अलग अलग तरीके के पैसेंजर होते हैं, कई बार ऐसे होते हैं जो हम लोग के भी नहीं सुनते, काफी हाइपर हो जाते हैं, तो आपको बहुत ही पोलाइट रहना है। सुपरवाइजर का काम है बहुत पोलाइटली तरीके से उनसे बातचीत करनी है और उनकी जो भी प्रॉब्लम हो उनको सॉल्व करना है। उसके बाद ही वो आपसे उनको आप मतलब कंप्लेन जब क्लोज होगा ना, जब भी आपको फीडबैक देंगे तो उनसे पोलाइटली रह के ही बातचीत करना पड़ता है, क्योंकि ये चीजें ऑनलाइन होती है। अगर वो पैसेंजर है वो आपसे गुस्सा हो गए तो कहीं ना कहीं वो फीडबैक नहीं देंगे। तो आपको जरूरी है कि उनके जब तक उनकी कंप्लेन क्लोज ना हो जब तक आपको बहुत ही पोलाइटली रहना, उनको प्यार से डील करना है जो भी चीज है। उसके बाद दोस्तों आपको अपने स्टाफ लोगों से काम करवाना होता है टाइम टू टाइम। आप चेक करते रहे कि आपके जो स्टाफ लोग हैं प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं, और उनके काम को चेक करते करते आपको उनको मोटिवेट भी करते रहना है उनके काम को लेकर के। कुछ देखो सुपरवाइजर को एजुकेशन जो ग्रेजुएशन कंप्लीट, इसलिए कहते हैं कि सुपरवाइजर को ना ग्रेजुएशन कंप्लीट सुपरवाइजर रखा जाता है ताकि उनको अपने उनके जो अंडर में स्टाफ लोग होते हैं वो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज ऐसी होती है जहां पे आप सुपरवाइजर का सपोर्ट रहता है तो सही रहता है। जहां पे आपका जो स्टाफ है वो बातचीत नहीं कर पाता तो सुपरवाइजर उस जगह पे उन पैसेंजरों से बातचीत करता है। उसके बाद दोस्तों ट्रेन के अंदर कई चीजें लीगल भी होती है, कई चीजें इलीगल भी होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके अंडर में यदि 10-12 स्टाफ लोग हैं तो वो लोग किस तरीके का काम करें। ऐसा तो नहीं कि कोई आपका ऐसा स्टाफ हो जो कुछ इलीगल काम कर रहा हो, तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। अगर कोई भी स्टाफ आपका कोई भी गलत काम कर रहा हो तो सुपरवाइजर के ही ऊपर ब्लेम मतलब सुपरवाइजर का भी नाम इसमें खराब होता है कि जिस सुपरवाइजर के आपने अपने स्टाफ को ध्यान क्यों नहीं दिया। तो कभी भी
कोई सामान वान भी कई बार स्टाफ लोग रखते हैं, तो सुपरवाइजर को पता होनी चाहिए कि मेरा स्टाफ कौन सा सामान कहाँ पर रख रहा है और उसके अंदर क्या चीजें हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि स्टाफ लोग थोड़े बहुत पैसे के लालच के चक्कर में कुछ गलत काम भी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप अगर सुपरवाइजर हैं तो आप अपने स्टाफ लोगों को इस तरीके की सलाह दें कि आप ये सब कुछ भी ना करें, गलत चीजें जो भी चीजें आप लीगल बेस पे करें। आप इलीगल की तरफ जाओगे तो कहीं ना कहीं आप एक से दो दिन, एक महीना, दो महीना आप करते रहोगे, आपको मजा आएगा, आपको उसकी आदत बन जाएगी। और कहीं ना कहीं जब किसी एक दिन भी पकड़े गए, ट्रेन के अंदर चेकिंग भी आती है दोस्तों, ऐसा नहीं कि ट्रेन के अंदर चेकिंग नहीं आती है, ट्रेन के अंदर कई बार चेकिंग भी आती है, आपको प्रॉपर तरीके से चेक किया जाता है, हर एक सामान को चेक किया जाता है, और सुपरवाइजर है उनके भी प्रॉपर तरीके से पेपर को चेक किया जाता है कि आपके साथ जो जो स्टाफ है वो प्रॉपर तरीके से उनका पेपर कंप्लीट है कि नहीं। ट्रैवल अथॉरिटी चेक की जाती है, उनके आई कार्ड चेक किए जाते हैं, प्रॉपर तरीके से चेक किया जाता है। तो दोस्तों यही सारी चीजें हैं जो एक सुपरवाइजर के अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। कहीं ना कहीं मैं तो मानता हूं कि एक सुपरवाइजर को एक जिम्मेदारी दी जाती है, ये एक जॉब नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। और पूरी ट्रेन के जो पैसेंजर हैं वो आप कहीं ना कहीं स्टाफ लोग के भरोसे आते हैं, तो आप लोग का भी जिम्मेदार होना बहुत जरूरी है। कई लोगों के मन में रहता है कि मैं, मुझे भी रेलवे में जॉब करनी है, मुझे भी ये करना है, तो भाई आपको जिम्मेदार बनना पड़ेगा और आपको सीखना पड़ेगा कि एक जिम्मेदार कैसे हो, क्योंकि ट्रेन में कई सारे लोग आते हैं जो कहीं ना कहीं आप लोग के भरोसे ही आते हैं, कहीं ना कहीं स्टाफ लोग के भरोसे आते हैं। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है मेरा यही था कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि एक सुपरवाइजर की क्या क्या जिम्मेदारी होती है। और आने वाली जो मेरी वीडियोस हैं और उसमें आपको आपने मेरी ब्लॉग की वीडियो तो आप लोग देखते होंगे, उसमें कई सारे मैं अपने काम वाम को दिखाते ही रहता हूं। तो आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करी है कि एक सुपरवाइजर के अंदर क्या क्या चीजें, एबिलिटी क्या क्या है, उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों बेल आइकन दबाना ना भूलें। अभी हम लोग नए नए क्रिएटर हैं, तो आप लोग जो हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो हम जैसे जो नए क्रिएटर हैं इसको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों बस इतना ही कहूँगा कि आप लोग प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, और कहीं ना कहीं जो भी जानकारियाँ हैं मैं आप तक ज़रूर पहुँचाता रहूँगा ताकि आप लोग को भी इससे कहीं ज़्यादा हेल्प मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।